कहते हैं कि खाकी वर्दी वाले जनता की सुरक्षा में हर पल तैनात रहते हैं, लेकिन देहरादून कोतवाली की पुलिस तो कुछ और ही कर रही है। देहरादून पुलिस जनता की सुरक्षा देने की बजाय खुद ही जनता की परेशानी की वजह बन रही है। दरअसल देहरादून पुलिस रात में गश्त के दौरान लोगों के दुपहिया वाहन चुपचाप उठाकर ले जाती है, और फिर जब लोगों को पता चलता है कि किसी चोर ने नहीं बल्कि पुलिस ने उनके वाहन उठाए, तो ये हक्के बक्के रह जाते हैं। पुलिस के चोरी और सिनाजोरी आम जनता की परेशानी उस वक्त और ज्यादा बढ़ा देती है जब वाहन देने के बदले ये पुलिस वाले पैसे मांगते नजर आते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ सीसीटीवी फुटेज जिसमें पुलिस की चोरी और सिनाजोरी दोनों ही कैद है। देखिए कैसे शातिराना अंदाज में वर्दीधारी चुपचाप दुपहिया वाहनों को एक के बाद एक उठाकर ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर चौंकना लाजमी ही है। आपको बता दें कि मामला कोतवाली सिर्फ 10 से 15 कदम की दूरी का है, जहां पर अक्सर लोग रात को अपने अहाते में अपनी गाड़ियों को खड़ा करते हैं। बीती रात जब चार गाड़ियां गायब हुई तो वहां रहने वाले लोगों ने कैंपस की सीसीटीवी फुटेज चेक की और पुलिस की कास्तानी सबके सामने आ गई। एक तो चोरी और ऊपर से सिनाजोरी तो देखी। जब सादा न्यूज संवाददाता ने इस बाबत कोतवाली जाकर इंस्पेक्टर से बात की तो थानेदार साहब भड़क गए और दल बल के साथ पीड़ितों के यहाँ पहुंचकर उन्हें ही धमकाने लग गए। आप ही सुन लीजिए इंस्पेक्टर साहब की दादागिरी। मैं बहुत देर से मैं चुप बैठा हूँ, मैं भी अपने भड़ास निकालूंगा। 100% इस बात से कहने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो मेरा अपना शौक है, मेरी अपनी हुई है। आप थोड़ी कहते हैं उससे कि 19 घंटे काम करते। बहरहाल मामले के तूल पकड़ने पर इंस्पेक्टर साहब ने सिपाहियों की करतूत को गलत तो ठहरा दिया, लेकिन मामला आगे बढ़ते देख लोगों को धमकी भी दे दी कि भविष्य में उनकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। मेरा कहने का आशय है, अगर पुलिस वालों ने शोर नहीं मचाया तो मैं अब उनकी क्लास लूंगा। लेकिन मैं एक चीज आपको और भी बताऊंगा कि यहाँ से अगर कोई चोरी होगी तो मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा। फिलहाल मामला काफी बढ़ गया है और दून पुलिस के जवानों के करतूत की खबर बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई है। पुलिस का चेहरा हर किसी को हैरान कर रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि जब पुलिस ही चोरी करी है और पैसे आट रही है तो फिर चोरों को क्या दोष दें। बहरहाल इस मामले ने दून पुलिस की असलियत जग जाहिर कर दी है। अब ऐसे में लोग यही कह रहे हैं कि कैसे ऐसे पुलिस वालों से मदद की गुहार लगा सकते हैं जो मित्र बन लोगों के विश्वास का गला घोट रहे हैं। देहरादून से सादा न्यूज के लिए अमन खुराना की रिपोर्ट।